कोरोना के खिलाफ जंग में देश में तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि अब तक देश की 70% बालिग आबादी को कोविड वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है। केंद्र सरकार अब जल्द ही 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी में है। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही भारत में जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव डी को DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको इस वैक्सीन से जुड़ी सभी जरूरी बातें बताएंगे। इस वैक्सीन की क्या खासियत है, इसके भारत आने से क्या फायदा मिलेगा, ये वैक्सीन कितनी असरदार होगी और क्या बच्चों के लिए ये सुरक्षित है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या है जाइडस कैडिला की खासियत? इस वैक्सीन का ट्रायल 12 से 18 साल के बच्चों पर भी किया गया और ये पूरी तरह से सेफ पाई गई है। अब भारत में बच्चों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देश में लग रही कोरोना की बाकी वैक्सीनों से अलग जायकोव डी की 3 डोज लगाई जाएंगी और वो भी 4 हफ्तों के अंतराल पर। खास बात ये है कि ये नीडल लेस है, यानी इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से साइड इफेक्ट के खतरे भी कम रहते हैं। जायकोव डी के साथ कोल्ड स्टोरेज का भी कोई झंझट नहीं है। इसको 2 से 8 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। कंपनी ने जायकोव डी की 3 खुराकें 1900 रुपए में देने की पेशकश की है। हालांकि सरकार कीमत कम करने के लिए मोल तोल कर रही है। बिना सुई के कैसे लगेगी वैक्सीन? इस वैक्सीन को बिना सुई के फार्मा जेट तकनीक से लगाया जाएगा। माना जाता है कि इससे साइड इफेक्ट जैसे सूजन और दर्द का खतरा कम रहता है। पहले बिना सुई वाले इंजेक्शन में दवा भरी जाती है, फिर उसे एक मशीन में लगाकर हाथ पर लगाते हैं। मशीन पर लगे बटन को क्लिक करके टीके की दवा अंदर शरीर में पहुंच जाती है। आइए अब जानते हैं कि कितनी असरदार है ये वैक्सीन। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की एफिकेसी 67.6% है। जाइडस कैडिला ने दावा किया है कि उसने भारत में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल किया है। 50 से ज्यादा केंद्रों पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया। ये भारत में कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल था। बता दें, इंसानों के साथ साथ बाकी जानवरों पर भी इस वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन वायरस के नए वेरिएंट्स जैसे डेल्टा पर भी असरदार है। ये पहली प्लाज्मा DNA वैक्सीन है जिसमें वायरस के जेनेटिक तत्वों का इस्तेमाल हुआ है। कंपनी का दावा है कि प्लग एंड प्ले टेक्निक, जिस पर प्लाज्मिड DNA प्लेटफॉर्म आधारित है, वो वायरस से निपटने के लिए अनुकूल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे वायरस में म्यूटेशन से निपटने के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। भारत में अब तक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रशिया की स्पुतनिक वी, अमेरिका की मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। जाइडस कैडिला 6वीं वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। हालांकि देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।